शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। अक्षर अक्षर ज्योत जले मन को देता उजियारा। शिक्षा का सूरज चमके रोशन हो जीवन सारा। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जो भी जागे तभी सवेरा। नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना। तुझे बुलाए नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह, नई सुबह। तुम्हारी रात वाली ड्यूटी कब चालू होगी? क्यों? अब देखो ना, तुम जा रहे हो फैक्ट्री, मुझे भी ऑफिस जाना है और यहाँ बच्चों के आने का समय हो गया है। तो क्या हुआ, उन्हें कुछ खिला पिला कर तुम भी निकल जाना। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को घर में अकेले छोड़ना पड़ेगा ना, मुझे फिक्र लगी रहती है। अच्छा, इसीलिए पूछ रही हो कि मेरी रात की ड्यूटी कब शुरू होगी? मतलब मैं रात को फैक्ट्री में ड्यूटी करूँ और दिन में बच्चों की? लेकिन सुनंदा, कितने दिन? एक काम क्यों नहीं करते, बाबा तो गांव में अकेले रह रहे हैं, उन्हें यहीं बुला लेते हैं, उनका मन भी लगा रहेगा और बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। कौन आ रहा है बाबूजी? तुम्हारे दद्दा। दद्दा? वो गांव में तुम्हारे दद्दा है ना, उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। हमारे दादाजी? हाँ। दादाजी आएंगे तो उनके साथ रोज घूमने जाएंगे, है ना भैया? हाँ, कब आ रहे हैं वो? देखते हैं बेटा, हो सकता है इसी इतवार को ले आऊं। सुनंदा, मैं चलता हूं। बच्चा, अरे रमा कहाँ चली? आ रही हूँ। दादाजी, टीचर ने देखो मुझे सब राइट दिया। शाबाश आशा। अरे रमा बेटी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। अरे तेरी स्केल मेरे पास रह गई थी। अरे यार, मैं स्केल लेने नहीं आई हूँ। तो फिर मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि मेरे दादाजी आने वाले हैं। तेरे दादाजी आने वाले हैं? हाँ। कब आ रहे हैं तेरे दादाजी? इस इतवार को। अरे पर लेकिन तेरे दादाजी गांव में रहते हैं ना? हाँ, बाबूजी ने गांव से तो ला रहे हैं। दादाजी, आप रमा के दादाजी से दोस्ती कर लेना। हाँ बेटा, दादाजी और दादाजी की दोस्ती खूब जमेगी। आशा, तू आएगी ना मेरे दादाजी से मिलने? आऊंगी ना, अब हमारे पास दो दो दादाजी हो जाएंगे। रमा, रमा, मैं तो दादाजी से रोज कहानी सुनूंगा। मैं भी सुनूंगी। और मैं उनके पास भी सोऊंगा। मैं भी। अच्छा भैया, पता है जब आशा के दादाजी उसे कहानी सुनाते ना, तो वो आधी कहानी में ही सो जाती है। एक दिन तू भी ऐसे ही सोएगी, मैं तो पूरी कहानी सुन के ही सोऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया। हाँ बोलो। क्या हमारे दादाजी भी चश्मा लगाते हैं? क्या पता। पर क्यों? आशा के दादाजी लगाते ना, इसलिए पूछा। अरे पगली, सबके दादाजी चश्मा लगाते हैं। नहीं, हमारे दादाजी चश्मा नहीं लगाते। अब तुम्हें किसने बताया? मैंने सपने में देखा था। आइए बाबूजी, आइए। सुनंदा, देखो बाबूजी को लेके आए। अरे जीतरो, जीतरो बेटी। भैया देखा, चश्मा नहीं है। केशव रमा, दादाजी को प्रणाम करो। अरे 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 अरे, केशव रमा, कैसे हो तुम लोग हैं? अरे अच्छा बाबूजी, आप बैठिए। हाँ, मुझे सामान दे दीजिए। हाँ, ये आइए बाबूजी। चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई। हाँ दादाजी। हाँ जी। आप चश्मा नहीं लगाते? नहीं मेरे, मैं बिना चश्मे के देख सकता हूँ। देखा मैंने क्या कहा था, दादाजी कब भी चश्मा नहीं लगाते।
मैं जीत गई, तुम हार गए। बाबूजी, क्या बात है रमा, क्या बाजी लगी थी तुम दोनों में? चौधरी दादाजी चश्मा पहनते हैं, इसीलिए मैंने सोचा हमारे दादाजी भी चश्मा पहनते होंगे, और मैंने कहा कि हमारे दादाजी चश्मा नहीं लगाते, आज मैं जीत गई। भाई रमा बिटिया तो सही कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चश्मा नहीं लगाता? सही। ये चौधरी दादाजी कौन है? हमारे पड़ोस में एक चौधरी जी रहते हैं, उनकी पोती आशा अपनी रमा के साथ पढ़ती है। अच्छा अच्छा दादाजी। हाँ जी। आप चौधरी दादाजी से मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। चौधरी दादाजी। अरे रमा आओ। राम श्रीकांत चौधरी, बच्चों ने बताया था कि आप आने वाले हैं? मैंने बताया था। हाँ हाँ, तूने बताया था। दादाजी हम खेलने जाए? हाँ जाओ जाओ। चलो 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 चलो, आइए बैठिए। अब आप यहीं रहने वाले हैं ना? हाँ, दामू कह रहा था कि यहाँ अच्छा लगेगा। दामू कौन? दामोदर, मेरा बेटा। हाँ, दामोदर। दामू आशा के पिता का नाम है लक्ष्मीकांत, मैं उसे लच्छी पुकारता हूँ। हम लोग तो वही पुकारेंगे ना जो बचपन से पुकारते आए हैं। बिल्कुल सही, आपको अब यहीं रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। गांव में और कोई है? पहले हम दोनों थे, दामू की मार में अब वो नहीं रही। सुना था, इसीलिए कहता हूँ कि आपको अपने सगे वालों का साथ मिल जाएगा और मुझे आपका साथ। मंजूर है, मंजूर है। दादाजी, दादाजी एक कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, कोई अच्छी और नई कहानी सुनाइए। अरे भाई, नई कहानी मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा, फिर आप वो चूहे और शेर वाली कहानी सुनाए। हाँ। चूहे और शेर वाली, वो क्या है भाई? अरे दादाजी, वही कहानी जिसमें एक शेर होता है और एक चूहा। शेर चूहे को पकड़ के ले जाता है, फिर चूहा शेर से बोलता है। क्या बोलता है? वही तो सोचो, क्या बोलता है भैया? चूहा शेर से बोलता है, शेर जी आप मुझे अभी छोड़ दो, मैं आपकी मुसीबत के वक्त काम आऊंगा। अच्छा, फिर? फिर वो शेर एक बार एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। बेचारा जंगल का राजा होकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो चूहा आता है। वही चूहा ना? हाँ वही चूहा। और वो चूहा वो जाल को काट देता है और शेर आजाद हो जाता है। तुम्हें नहीं मालूम दादाजी? तुम्हें कहानी मालूम थी ना, तो फिर मुझे सुनाने के लिए क्यों कह रहे थे? वो क्या है ना दादाजी, आशा के जो दादाजी ना उसे रोज कहानी सुनाते हैं, तो हमने सोचा आप ही हमें कोई कहानी सुनाओ। अच्छा, तो इतनी सी बात है? कोई बात नहीं, मुझे बहुत सी कहानियां आती हैं। हाँ, सुने, सुनाते हैं। एक था खरगोश और एक कछुआ था, दोनों में बहुत दोस्ती थी। लेकिन वो जो खरगोश था ना, बहुत घमंडी था। तुम्हें नींद आ रही है क्या? हाँ दादाजी, ये कहानी तो बहुत बार सुनी है। दादाजी कल टीचर मुझे स्कूल में बहुत मारेगी। क्यों मारेगी? अरे दादाजी, अगर भैया अपना होमवर्क नहीं करेगा तो टीचर से मारेगी ना। क्यों नहीं किया बेटा? अब दादाजी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं? अच्छा दादाजी, आपको चार का पहाड़ा आता है? पहाड़ा? पहाड़ा। अच्छा ठीक है, मैं चार का पहाड़ा पढ़ता हूँ, अब देखिए सही है या नहीं। चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तेरह बारह, और चार चौका कितना होता है? हाँ सोलह। और अब चार पंजे, चार पंजे, चार पंजे कितना होता है दादाजी? चार पंजे बीस। हाँ चार पंजे बीस। लेकिन दादाजी तुमने तो ये किताब में बिना देखे ही बता दिया। हाँ बेटा, क्यों? और चार छक्के कितना होता है? चार छक्के चौबीस। और चार नौवे? चार नौवे तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों, किताब में तो सब लिखा है।
नहीं बेटे, मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? नहीं बेटे, मैं तुम्हारा अनपढ़ दादाजी हूँ। दादाजी, तुम इतने बड़े होकर पढ़ना लिखना नहीं जानते? मैं तो जानती हूँ, भैया भी जानता है ना? हाँ, तुम स्कूल नहीं गए? नहीं बेटा। क्यों? हमारे गांव में कोई स्कूल था ही नहीं, और जो था भी 10 कोस दूर था। हम तो कितने खुश थे हमारे दादाजी आ रहे हैं, हमें पढ़ाएंगे, हमारी होमवर्क में मदद भी करेंगे। मम्मी के पास तो वक्त भी नहीं है। देखो बेटा, स्कूल का अपना सारा काम खुद करना चाहिए। मास्टर जो पढ़ाता है उसे समझोगे तो तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है ना, इसीलिए तुम ये कह रहे हो। आशा के दादाजी तो उसे पढ़ाते हैं, उसकी होमवर्क में मदद भी करते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा। चलो रमा, हम वहां पढ़ेंगे। ये दूध पी लो, और कुछ चाहिए तो आवाज देना। मम्मी, दादाजी कहाँ हैं? घूमने गए हैं। रमा, दादाजी इतने अच्छे हैं, पर उन्हें पढ़ना लिखना क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं, हम उन्हें पढ़ाएंगे। कैसे? सोचेगा। हाँ, हम उन्हें अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। अरे पगली, स्कूल में तो सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, दादाजी बच्चा थोड़ी है। चलो बच्चों, तैयार हो गए कि नहीं तुम लोग? चलो जल्दी। बाबूजी, हम दादाजी को अपने साथ स्कूल ले जाएं? स्कूल ले जाएं? मगर क्यों? उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता ना, इसलिए। बाबूजी, रमा कह रही है दादाजी को स्कूल ले जाएं। स्कूल में तो सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं ना। लेकिन ये दादाजी को अचानक पढ़ाने लिखाने की बात आई कहाँ से? क्योंकि दादाजी को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो पहाड़े नहीं बता सकते, वो हमारी होमवर्क में मदद नहीं कर सकते, दादाजी अनपढ़ है। केशव, दादाजी के लिए ऐसा नहीं कहते बेटा, बहुत बुरी बात है। केशव ठीक कह रहा है दामू। बेटा, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक पढ़ा लिखा परिवार पाया और उस पर गर्व करता रहा। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि इन बच्चों को एक पढ़ा लिखा दादाजी नहीं दे पाए। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें आप पर गर्व है, बहुत गर्व है। बच्चे थोड़ी ना इस बात को समझ पाएंगे। क्या बात है? कुछ नहीं, चलो बच्चो, देर हो रही है। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। बाबूजी, मैं भी निकलती हूँ। जगन्नाथ जी नमस्ते। अरे चौधरी जी, आई आई आई। लगता है घर में कोई नहीं है, आप अकेले ही बैठे हुए हैं। नहीं बेटा, और बहू तो काम पर गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं। आई बैठिए। धन्यवाद। मैं सोच रहा था चौधरी जी के आपके पास आऊं। अच्छा, लो मैं ही आ गया। आप अकेले मक्खियां मार रहे होंगे, सोचा कि कितनी मक्खियां मारी है गिनू तो सही। अभी अकेलापन काटने के लिए दो ही चीजें तो काम में आती हैं, एक ये मक्खियां और दूसरे आप। आप भी कम नहीं है जगन्नाथ जी। अच्छा ये बताइए कि आप मेरे पास क्यों आ रहे थे? अब चौधरी जी, एक समस्या में फंस गया था। अब यहाँ पर तो सिर्फ आप ही एक साथी हैं, तो आप ही से सलाह लेनी है। लेकिन जगन्नाथ जी, जरा खुलकर समझाइए, आखिर समस्या क्या है? समस्या है मेरा अनपढ़ होना। मैं सारी जिंदगी स्कूल नहीं गया, उसी गलती की सजा मिलेगी। अरे भाई, जिंदगी में आपने जो हासिल किया है वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को नसीब नहीं होता।
आज अचानक ये एहसास आपको इतना परेशान क्यों कर रहा है? ये कमी मुझे अपने बच्चों से दूर ले जा रही है। जब से केशव और रमा को ये पता चला कि उनके दादाजी किताबें नहीं पढ़ सकते, उनके सवाल नहीं करा सकते, उनके मन को झटका लगा है। तब से वो मुझसे दूर दूर रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चे तो ये जानते हैं कि उनकी किसी भी समस्या का हल बड़ों के पास होता है, क्योंकि बड़े ज्यादा जानते हैं। चौधरी जी, ये सारी बातें मैं भी समझता हूँ, लेकिन उन बच्चों को कौन समझाए? क्योंकि दादाजी जो हैं वही रहेंगे, अनपढ़ गमार। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन केशव और रमा मुझसे रूठे रहें, मुझसे दूर रहें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चौधरी जी, सूखे दरख्त पर हरियाली नहीं आती। आती है, बेशक आती है जगन्नाथ जी। आज के जमाने में अगर गंजे के सर पर बाल आ सकते हैं तो सूखे दरख्त पर हरियाली क्यों नहीं? और भैया, अगर दरख्त में जान और हौसला बाकी है तो सिर्फ हरियाली ही नहीं, फल भी आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? 100% सच। हिम्मत कीजिए तो इस उम्र में भी आप पढ़ लिख सकते हैं। आपने अखबार में पढ़ा नहीं सरकार की प्रौढ़ शिक्षा योजना के बारे में? माफ कीजिए जगन्नाथ जी, मैं भूल ही गया, आप पढ़ नहीं सकते। यही गम तो मुझे भी खाया जा रहा है। आप परेशान ना हो, हमारे एक शर्मा जी हैं, उन्होंने भी बुढ़ापे में ही पढ़ाई की और आज देखो तो कंप्यूटर क्लासेस चला रहे हैं। चौधरी जी, मैं सिर्फ अपने बच्चों की नजर में अपनी इज्जत पाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर चलिए शर्मा से पूछते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र कहाँ है। नहीं नहीं, उसकी पत्नी से पूछते हैं, वो समाज सेविका है और उसी ने शर्मा का एडमिशन कराया था। चलिए, शुभ काम में देर काहे की। बहुत ठीक सोचा है आपने, आप जैसे लोगों को ही तो सरकार की इस प्रौढ़ शिक्षा योजना का फायदा उठाना चाहिए। बहन जी, क्या मैं वाकई अब भी पढ़ना लिखना सीख सकता हूँ? जगन्नाथ जी, पढ़ने लिखने के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं, आदमी जिंदगी भर लिखता पढ़ता और सीखता रहता है। अब शर्मा जी को ही देखिए ना, मुझे तो शादी के बाद पता चला कि मेरे पति देव अंगूठा छाप है। मैं मैट्रिक पास थी, मेरे लिए इस सच्चाई को पचाना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन पति परमेश्वर वाले संस्कारों ने मन को समझाया और मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया। और इन्होंने भी बुढ़ापे में ही सही, लेकिन पढ़ लिख कर अपने को काबिल तो बना ही लिया ना। और भाई साहब, आप भी शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपके बच्चे एक दिन खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। बहन जी, एक राज की बात है, मैं नहीं चाहता कि अभी किसी को मालूम हो कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ हासिल कर लूँ और फिर अचानक एक दिन उन्हें ये खुशी दूँ, और इस खुशी के लिए तब तक मैं उनकी बेरुखी बर्दाश्त करता रहूँ। भाई साहब, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको तो मंजिल मिलेगी। चलिए, कौन? केशव बेटा, आ जाओ। मैं हूं बाबूजी। केशव और रमा तो सो गए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने दादाजी से अब भी नाराज है। हाँ बाबूजी, बात ही ऐसी है बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। बच्चे अपने बुजुर्गों को दुनिया का सबसे होशियार इंसान समझते हैं, और उसमें
दादा का ओहदा तो और भी बड़ा है। बच्चों का ये विश्वास टूट जाए तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा ताकि एक दिन अपने पोते की नजरों में खरा उतर सकूं। सच बाबूजी, केशव यह सुनकर बहुत खुश होगा। केशव उस दिन खुश होगा जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसके दादाजी पढ़े लिखे हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद कर सकते हैं। जब पढ़ना नहीं आता तो क्यों किताब लेते हैं? अरे भाई, तस्वीर देखने के लिए। ये गणित है, इसमें तस्वीर नहीं है। दादाजी ये देखिए, मेरी किताब में तस्वीर है। हाँ, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर है। दादाजी मैं आपको ये वाली कहानी पढ़ के सुनाऊं? सुना ना बेटे, लेकिन एक मिनट एक मिनट। ये रहा वो पन्ना। चार नौवे क्या लिखा है बताऊं? बताइए क्या होता है। 36। बारह नौवे कितना होता है वो भी बताऊं? 108। हाँ बेटी, हाँ तो तुम क्या पूछ रही थी? कहानी सुनाऊं? अभी पढ़कर सुनाता हूं। विरासत। एक आदमी बहुत बीमार था, उसके 3 बेटे थे। तुम यही खड़ी रहना। पर मैं खड़ी रह के क्या करूंगी? देखना दादाजी आए तो ऐसे करके खांसना। पर दादाजी तो बाहर गए हैं। मालूम है, लेकिन दादाजी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। केशव, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सीआईडी का काम। सीआईडी का काम? हाँ। अच्छा तू यही खड़ी रहना और दादाजी को देखना, आए तो खांसना। ओके। कौन आया? कोई नहीं। तो फिर खांसे क्यों? खांसी आई। अच्छा चौकन्ना रहना। फिर खांसी आई। रोक अपनी खांसी। केशव ये क्या हो रहा है? वो बाबूजी मैं चोरी चोरी दादाजी के कमरे में क्या ढूंढ रहे हो तुम? सॉरी बाबूजी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? दादाजी ने हमसे कहा था उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर ये किताब और नोटबुक्स किसके हैं? ये दादाजी की है बेटे। अच्छा ये सब दादाजी ने लिखा है? हाँ बेटे, ये सब दादाजी ने लिखा है। रमा बेटे आप। भैया दादाजी ने हमसे झूठ क्यों कहा? हाँ बाबूजी, दादाजी ने हमसे झूठ क्यों कहा? दादाजी ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला बेटा, उन्होंने जो कहा था सच था, और आज जो तुम देख रहे हो ये भी सच है। भैया क्या देखा? रमा हमारे दादाजी अनपढ़ नहीं है। मुझे तो तभी शक हुआ था जब उन्होंने तुम्हारी किताब लेकर हमें कहानी सुनाई थी। जानते हो बेटे तुम्हारे दादाजी ने चुपचाप दिन रात मेहनत करके पढ़ना लिखना क्यों सीखा? क्यों बाबूजी? क्योंकि वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और तुम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी दादाजी आप ये सब पढ़ रहे हैं?
पढ़ के दिखाऊं? हाँ, हाँ। देखा, बोला था ना दादाजी चश्मा लगाते हैं। अच्छा बाबा सॉरी, तुम जीते मैं हारी, खुश? हाँ। अरे चौधरी जी आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे जगन्नाथ जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा है? अरे चौधरी जी, आज की खबरें पढ़ रहा था। आपने तो कमाल कर दिया, इतने कम समय में इतनी लगन और मेहनत, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा मैं चाय लाती हूँ। नहीं बेटी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मक्खियाँ कितनी मरी है वो गिन लूँ। हाँ केशव बेटा लिखो। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं। सीखो सा समय के चलना, सीखो आज से लिखना पढ़ना। हाँ, सीखो आज से लिखना पढ़ना। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। होता काम काज आसान, मिलता पढ़े लिखे को मान। जभी जागे तभी सवेरा, नहीं अंधेरे में अब रहना, नहीं अंधेरे में अब रहना।